लेकिन ये पता कैसे चलेगा? मान लो अगर उस लड़की के पीछे मेरे जैसा कोई लड़का चार बार घूमेगा फिरेगा तो पता चल जाएगा। हाँ। कि वो लड़की पटेगी या नहीं। फिर तो तू उसके पीछे पड़ जाओ और तू ही डिसाइड करके बताना। बहुत जिम्मेदारी का काम दे रहे हो भाई। मेरे लिए भाई, इस भाई के लिए थोड़ी सी मदद कर देना। ओके, ऑर्डर प्लीज। 2 burgers, 2 sandwiches। ओके मैम, मेक इट फास्ट। ओके मैम। हाय अनु, इफ यू डोंट माइंड। अब तक जिंदा हो तुम? मर तो गया था पर तुम्हारे लिए फिर जिंदा हो गया। अब ध्यान से सुनो, आधी रात 12 बजे तुम्हारे घर पर्सनली आकर बताऊंगा। तैयार रहना, आज रात ठीक 12 बजे तुम्हारे घर पर। कहां मर गया ये? कितनी देर से तेरा वेट कर रहा हूँ, तू था कहाँ पर? कितनी बार फोन भी किया मैंने तुझे। अरे यार, तैयारी कर रहा था, लड़की से पहली बार मिलने जा रहा हूँ। अंदर भैया बैठे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। बास आ रही है क्या? बास नहीं, टेंशन आ रहा है, अंदर क्या होगा ये सोचकर। भैया की कमजोरी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सब संभालूंगा। चल भैया, गाँव में सब कैसे? अच्छे है रे, यहाँ आकर तुम लोगों से मिलता हूँ तो दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। भैया खाना तो खा लिया ना? हाँ खा लिया। ए सिद्धू, सुबह से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, कल क्लास के बीच से उठकर कहाँ चला गया था तू? अरे तुझसे कहा था ना, मैं प्रोफेसर के पास कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए गया था। तुझे डाउट्स? प्रोफेसर भी बिल्कुल ऐसे ही शॉक हुए थे, मुझ जैसे मैरिड स्टूडेंट को डाउट कैसे हो सकते हैं, यही सोचकर वो भी हैरान थे। तो मैंने बताया कि डाउट तेरा है। मेरा डाउट? इसको याद दिला के डाउट इसी का था, जा याद दिला। हाँ ठीक है, चल तुझे डिटेल में समझाता हूँ। मेरा दोस्त है भैया, एकदम भुलक्कड़ है। ठीक है, क्या हुआ रे? कुछ नहीं भैया, रात को मैं टेबल लैंप लगाकर पढ़ाई कर लूंगा ताकि आपको सोने में कोई तकलीफ ना हो। अरे तकलीफ की बात ही नहीं, मेरी बस का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। कम से कम आज की रात तो रुक जाते। नहीं सिद्धू, सरकारी ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम है, जाना ही होगा। अगली बार आऊंगा तो तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में पूछूंगा, समझ गए? ठीक है भैया। अब तुम जाकर पढ़ो, मैं चलता हूँ। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ाता हूँ ना। तुम अंदर कल मेरी क्लास नहीं है, मैं भैया को छोड़ाता हूँ। अच्छा ये छोड़ देगा, आता हूँ। अब तुम जाओ। आप पहले बस में तो बैठ जाइए। लेकिन सुबह तक कोई बस ही नहीं है। फिर आप अभी क्यों आ गए? मेरे वहां रहने से तुम सब पढ़ नहीं पाते, मैं रात यहीं पर बिता लूंगा। अब तुम जाओ, बाइक धीरे चला। ए चल उठा रे। अबे तुझसे पत्ता उठाने के लिए बोला था, ये क्या उठा रहा है, डाल दू क्या? इसका सुधरना बहुत मुश्किल है भाई। और भाई लोग क्या रे छोटे, तू इस टाइम पर यहाँ क्या कर रहा है? ये सेटिंग करने का बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि मैदान साफ रहता है। ए क्या साफ सफाई की बात करता है, म्युनिसिपैलिटी में है क्या तू? मैं ये सब भाई के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। बिना पैसे लिए भी ड्यूटी कर रहा है भाई, ये छोटा बहुत ईमानदार है भाई। हाँ भाई, एक बात तो है, बिल्कुल तूफान मेल है। ये छोटू जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है वो अपने लिए ही तो ले रहा है। रानी चिल्ला रही है, गार्ड्स देखो तुम लोग। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा था ना रात को मिलने आऊंगा, फिर भी तुम आराम से सो रही थी। अगर मेरे लिए इंतजार करती तो मुझे अच्छा लगता ना। तुमने क्या सोचा, ये तुम्हारे चमचे मुझे तुम्हारे पास आने से रोक लेंगे? आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? प्लीज डोंट टच मी। इतनी रात को क्या बातें करने आया हूँ? मुझे कुछ मत करना प्लीज।
प्लीज प्लीज। ये क्या है? फूल है, गुलाब का फूल। अगर ये तुम्हें मैं कॉलेज में देता तो मेरी भी गिनती उन आशिकों में हो जाती, इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ आया हूँ तुम्हें ये गुलाब देने। अब जरा तुम ही सोचो, इतना खतरा उठाया है, रख लो। थैंक्स। चलता हूँ। हेलो, ये बता कि इस बात से लड़की पटने वाली है या नहीं? फूल तो फेंक दिया है, मतलब नहीं पटेगी। ओ क्या बात है टीना, चंदू के लिए पूजा कर रही हो? वो गांव वापस नहीं आने वाला, डॉक्टर बनकर तुमसे शादी करेगा, भूल जाओ। मेरे चंदू के बारे में एक बात भी बोली? अरे टीना, डॉक्टर तो डॉक्टर से ही शादी करता है, चाहो तो शहर जाकर डॉक्टर से ही पूछ लो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो ये रंग वरण सिंह राजू को सरेआम चप्पल से मारना। भैया छोड़ दो, होने वाला एमएलए हूं भैया, देखो इज्जत का सवाल है, छोड़ दो भैया, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ए, सिर्फ टीना ही नहीं, पूरा गांव उसका इंतजार कर रहा है, उसकी उम्मीद पर जी रहा है। उनकी भावनाओं के साथ मत खेल, आज तक तेरी हर गलतियों को नजरअंदाज करता आया हूं मैं, लेकिन आगे से गलतियों को माफ नहीं करूंगा मैं। अब रोना बंद भी करो तुम, रघुराम ने उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया ना, या तुम्हें भी अपने मंगेतर पर शक हो रहा है? चलो अभी तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ, तुम ही फैसला कर लेना। इस रंग वरण सिंह राजू की बेइज्जती की है, इसके जवाब में मेरा पतली गली से निकलना ही अच्छा होगा। यू सिली फेलो, पतली गली से तो अब वो निकलेगा, अब वक्त है मेरे मास्टर प्लान का। पता नहीं मुझसे पहले कौन था यहाँ ऑफिसर, जिस फाइल में साइन की जरूरत थी उसमें की नहीं, और जिस फाइल में जरूरत नहीं उसमें साइन की। रिश्वत खोर था क्या? इसीलिए उसे जेल में डाल दिया गया और वहाँ उसे किसी ने मार दिया। तुम कौन हो भाई, बैठो। आप बहुत अच्छे अधिकारी हैं, सुना है जिस फाइल में जरूरत होती है आप उस पर साइन कर देते हैं। हाँ जी, तो मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ और तुम मेरे बारे में सब कुछ जान गए? ऊपर गए हुए ऑफिसर ने बताया था सर। आप जैसे सच्चे ऑफिसर का ही इंतजार था मुझे। मेरे गाँव का नाम भद्राद्री है, पूरा का पूरा गांव रोग से पीड़ित है सर। हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं आता, इसलिए अपने भाई को डॉक्टरी करवा रहा हूँ। पढ़ाई पूरी होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि एक डॉक्टर भेज दीजिए। भगवान के बाद अगर कोई जान बचाता है तो वो एक डॉक्टर है सर। ए, सुनो सर, वो भद्राद्री की फाइल लेकर आओ। ठीक है सर। बदकिस्मती क्या है जानते हो, दरअसल रोग क्या है इसकी ही जानकारी नहीं है। फिर किस तरह का रोग है ये जाने बगैर डॉक्टर आखिर कौन सी दवाई देगा? वो रोग क्या है जानने के लिए पहले उस रोग को जानने वाला डॉक्टर चाहिए। आपको कुछ करना ही होगा सर। वो मेरी ड्यूटी है, मैं दस्तखत कर दूंगा, मुझसे ऊपर बैठे ऑफिसर तक फाइल पहुँचाने के लिए बहुत खर्चा आएगा। वो सब मैं कर लूंगा। वो इतनी आसानी से होने वाला काम नहीं है, सब मेरी तरह नहीं होते। अगर वैसे नहीं होंगे तो वो भी जाएंगे सर। तब आप जैसा अच्छा ऑफिसर एक और आएगा। तुम्हारा विश्वास देखकर लगता है तुम कामयाब हो गए। चलता हूँ। ठीक। ए अनु देख, नंबर 37 तेरे लिए इतनी दूर तक आ गया, आज मेरे ही हाथों से पिटेगा। हाय अनु। मुझे इस अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज। किसी को अपना सच्चा प्यार जताने के लिए सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, एक प्यार में जान देना या दूसरा जब तक जान है आई लव यू कहते रहना। पहला वाला तो करूंगा नहीं, ना ही कर सकता हूं, और दूसरा करे बगैर रह नहीं सकता। अगर तुम्हें मुझसे किसी तरह की परेशानी है तो मैं कभी तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। यही बात मैं तुमसे पहले भी कहना चाहता था,
मैं जानता हूँ तब तुम मुझे ना कहती और मैं कहीं चला जाता और तुम समझती कि मैं तुम्हारे गुंडों से डर गया।